हेलो गाइज, वेलकम टू आपके फैक्ट्स। और हम बात करने वाले हैं इंडिया की ऑन ट्रैक फास्टेस्ट ट्रेन और इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन कही जाने वाली द एयर टॉकर गतिमान एक्सप्रेस के बारे में। गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12049 और 12050 हफ्ते के 6 दिन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से उत्तर प्रदेश की वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी तक जाती है। और गाइज, इस पूरी जर्नी में यह टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें वो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से चलकर तुगलकाबाद को स्किप कर हरियाणा स्टेट में इंटर करती है, जहाँ यह फरीदाबाद पलवल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन को भी स्किप कर उत्तर प्रदेश के ही आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आकर अपना पहला हॉल्ट लेती है, जिसके बाद यह गाइज अगेन उत्तर प्रदेश से राजस्थान में इंटर करके कई छोटे बड़े स्टेशन के साथ साथ राजस्थान के धौलपुर जंक्शन को भी स्किप करके मध्य प्रदेश में इंटर करती है, जिसके बाद यह कई स्टेशन के साथ साथ मुरैना जंक्शन को भी स्किप कर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जंक्शन पर पहुँच कर अपना सेकंड हॉल्ट लेती है। और फिर अगेन गाइज यह मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में इंटर कर वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी पहुँचती है, जो कि गतिमान का फाइनल डेस्टिनेशन है, जिसमें गाइज ये 403 किलोमीटर की जर्नी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 घंटे 25 मिनट में कंप्लीट कर देती है। और गाइज इस पूरे जर्नी के टाइम पर, इस पूरे रूट पर गतिमान एक्सप्रेस को हाई प्रायोरिटी के साथ चलाया जाता है। गतिमान एक्सप्रेस को गाइज वैसे तो हजरत निजामुद्दीन से तुगलकाबाद के बीच 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाता है, पर फिर तुगलकाबाद से आगरा कैंट के बीच या हफ्ते के 6 दिन सिवाय फ्राइडे के यह 160 to 165 किलोमीटर की स्पीड पर जाकर प्रूव करती है कि हाँ, गतिमान एक्सप्रेस है इंडिया की ऑन ट्रैक फास्टेस्ट ट्रेन। इसके बाद गाइज आगरा कैंट से झांसी तक इसकी टॉप स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर है, पर गाइज इंडियन रेलवे इसे बहुत ही जल्द अलाउ करने वाली है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसको चलने के लिए इसके पूरे एंटायर जर्नी में हजरत निजामुद्दीन से झांसी तक को। और असल में गाइस गतिमान एक्सप्रेस को 2015 में अनाउंस किया गया था इंडियन रेलवेज द्वारा, बट फिर 5 अप्रैल 2016 को इसकी सर्विस हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट के बीच स्टार्ट की गई, जिसमें गाइस ये 188 किलोमीटर की जर्नी को ओनली 100 मिनट में कंप्लीट करती थी। बट फिर गाइस पैसेंजर्स की कमी के कारण इसे 19 फरवरी 2018 को आगरा कैंट से ग्वालियर जंक्शन तक एक्सटेंड कर दिया गया, बट फिर गाइस अगेन इसे 1 अप्रैल 2018 को ग्वालियर से एक्सटेंड करके वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी तक कर दिया गया। और गाइस गतिमान एक्सप्रेस के कोचेस LHB टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड हैं, जिन्हें RCF यानी कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में मैन्युफैक्चर किया गया है। और गाइस हरदम गतिमान एक्सप्रेस में WAF 5 ही यूज किया जाता है गाजियाबाद लोकोसेट का। तो बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते अपने को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।